हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के जो भी लार्वल फॉर्म्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं लार्वल फॉर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं लार्वल फॉर्म्स होती क्या है। लार्वल फॉर्म्स की बात करें, लार्वा क्या होता है। लार्वा इज अ जुवेनाइल फॉर्म ऑफ अ एनिमल्स लाइफ साइकिल। एनिमल की लाइफ साइकिल की एक जुवेनाइल फॉर्म होती है। जैसे क्लास इंसेक्टा की बात करें और पोरीफेरा की बात करें, सीलेंट्रेटा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, प्लेटी हेलमेंथीस की बात करें, एनिलेडा की बात करें, तो उनके जो एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लार्वा डेवलप्ड इनटू मैच्योर फॉर्म्स। तो लार्वा में क्या होता है, लार्वा में होते हैं मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस जिस एनिमल में होती है तो उस एनिमल की लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की जो इनडायरेक्ट फॉर्म होती है, ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल में लार्वा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है उनमें। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अभी तक हमने इसमें जाना कि लार्वा क्या होता है, लार्वा किस तरह के एनिमल में पाया जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि लार्वा कौन कौन से एनिमल में, किस टाइप के लार्वा किस नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के दो इम्पॉर्टेंट लार्वा होते हैं। एक हम लार्वा की बात करते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा, और दूसरा लार्वा की बात करते हैं जिसका नाम है पैरेनकाइमुला लार्वा। ओके, तो पैरन जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है ये किसका है, साइकॉन का लार्वा है, और दूसरे लार्वा के नाम बात करें ये किसका लार्वा है, ल्यूकोशोलेनिया। ओके, तो यहाँ देख लिया हमने कि पोरीफेरा में दो लार्वा इम्पॉर्टेंट लार्वा हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला और दूसरे लार्वा का नाम है पैरेनकाइमुला जो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। ओके, अब हम दूसरे फाइलम की बात करते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में मेन तीन इम्पॉर्टेंट लार्वा हैं जिसमें हम पहला दूसरा और तीसरे फॉर्म की बात करते हैं। पहला लार्वा है प्लैनुला लार्वा, दूसरा लार्वा है इफायरा, और तीसरा लार्वा है सेम्पर्स लार्वा। ओके,
सेम्पर्स लार्वा जो है ये किसका एग्जांपल है, ये एंथोजोआ का एग्जांपल है, एंथोजोआ, या हम कह सकते हैं जेमारिया। ओके, इफायरा लार्वा ये किसका है, ऑरेलिया का लार्वा है, ऑरेलिया। और जो प्लेनुला लार्वा है ये किसका एग्जांपल है, ओवेलिया का। ओके, तो सिलेंट्रेटा में तीन इंपॉर्टेंट लार्वा हैं, जैसे प्लेनुला लार्वा हो गया, इफायरा लार्वा हो गया और सेम्पर्स लार्वा। प्लेनुला लार्वा किसका एग्जांपल है, ओवेलिया का। इफायरा ऑरेलिया का लार्वा है, एक मिनट रुकिएगा, ऑरेलिया। और जो सेम्पर्स लार्वा है ये किसका एग्जांपल है, एंथोजोआ का, क्लास एंथोजोआ या जेमारिया का एग्जांपल है। ओके, अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम दूसरे फाइलम की बात करते हैं। अब देखिए, ये हो गया पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। ओके, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात आती है प्लेटी हेलमेंथीज की, प्लेटी हेलमेंथीज। अब प्लेटी हेलमेंथीज के कई सारे इम्पॉर्टेंट लार्वा हैं, जिसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला लार्वा जो आता है, दूसरा, तीसरा। पहले लार्वा की बात करते हैं, सिस्टी सर्कस लार्वा। ओके, दूसरा लार्वा है हेक्साकेंथ लार्वा। और थर्ड लार्वा इसमें तीसरा लार्वा आता है ऑंकोस्फेयर। ठीक, तो ये तीनों लार्वा किसके हो गए, ये हो गया टीनिया सोलियम के, ये भी हो गया टीनिया सोलियम का, और ये भी क्या है, टीनिया सोलियम का लार्वा है। तो सिस्टी सर्कस लार्वा है हेक्साकेंथ लार्वा और ऑंकोस्फेयर लार्वा, ये किसके लार्वा हैं, ये लार्वा हैं टीनिया सोलियम के। अब दूसरे जीनस की हम बात करते हैं, इसी का है, प्लेटी हेलमेंथीज का है, जिसका नाम है फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका में कई सारे लार्वा आते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, फिर रेडिया, स्पोरोसिस्ट, एंड जो फिफ्थ है उसका नाम है मेरासीडियम। तो फैसियोला हिपैटिका, इसे हम क्या कहते हैं, फीता क्रमी, या इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म। ये क्या है, फ्लैट वार्म है। और इसे हम क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं, टेप वार्म। ओके, तो फैसियोला हिपैटिका के पांच इंपॉर्टेंट लार्वा हो गए, जैसे सर्केरिया लार्वा हो गया, मेटा सर्केरिया लार्वा हो गया, रेडिया लार्वा हो गया, स्पोरोसिस्ट हो गया, और मेरा सीडियम लार्वा हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लार्वा हो गए, किसमें, फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज के लार्वा हो गए। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं। नेक्स्ट फाइलम आता है, अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा में कई सारे लार्वा आते हैं, जैसे मैगट लार्वा, ओके, फिर रेगुलर लार्वा, फिर जोइया लार्वा, मेटाजोइया, ओके। तो ये लार्वा किसके हो गए? फाइलम आर्थ्रोपोडा के। मैगट लार्वा किसका लार्वा है? एक और लार्वा इसमें आता है, कैटरपिलर। तो कैटरपिलर किसका एग्जांपल है? जैसे सिल्क वॉर्म हो गया, सिल्क वॉर्म, जिसे हम साइंटिफिक नेम जिसका क्या है, बॉम्बिक्स मोराई, ओके। ये जो लार्वा हैं दोनों, ये किसके हैं? इसमें एक और आता है, प्रोटोजोइया। ये सभी तीनों एग्जांपल किसके हैं? क्रैब के, ओके। रेगुलर लार्वा किसका है? ये लार्वा है मॉस्कीटो। और जो मैगट लार्वा है, ये किसका है? मस्का डोमेस्टिका, ओके। तो मस्का डोमेस्टिका का लार्वा मैगट लार्वा हो गया, रेगुलर लार्वा किसका है? मॉस्कीटोज का है, जोइया लार्वा, मेटाजोइया, प्रोटोजोइया किसके हैं? क्रैब के लार्वा हैं, और कैटरपिलर लार्वा है ये किसका है? सिल्क वॉर्म या बॉम्बेक्स मोराई का, ठीक। तो ये भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा। एक फाइलम और आता है एनिलिडा, उसकी बात कर लेते हैं। एनिलिडा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक ही लार्वा है, जिसका नाम है ट्रोको फोर लार्वा। ये किसका लार्वा है? ये है नेरीस का, ओके। तो एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का एक ही इम्पोर्टेंट लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा। ये किस जीनस में आता है? नेरीस में पाया जाता है, ओके। या नेरीस की लाइफ साइकिल में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कई सारे लार्वा आते हैं, जैसे बाइपिनेरिया, ब्रांकियोलेरिया। ये दोनों किसके हो गए? एस्टेरियास के हो गए, एस्टेरियास, ठीक। फिर आता है डोलियोलेरिया, ओके। तो ये भी किसका है? इकाइनोडर्मेटा का ही एक लार्वा है, ओके। अब देखिए, बात आती है हेमिकार्डेटा यूरोकार्डेटा की। किसकी? हेमिकार्डेटा एंड यूरोकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा का जो लार्वा है, पहले हम बात कर लेते हैं यूरोकार्डेटा। और हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा का जो लार्वा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, ओके। और जो यूरोकार्डेटा का लार्वा है, इसे हम क्या कहते हैं? एसीडियन टैडपोल, लार्वा। अगर जीनस की बात करें तो किस जीनस में पाए जाते हैं? अगर हम बात करें हर्डमानिया की, हर्डमानिया,
तो ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है यूरोकॉर्डेटा का, और इसमें पाया जाता है एसेडियन टैडपोल लार्वा। ओके, अब हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है, और ये किस जीनस में पाया जाता है? बैलेनोग्लॉसस। बैलेनोग्लॉसस, ओके। तो बैलेनोग्लॉसस में कौन सा लार्वा पाया जाता है? टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। जो बैलेनोग्लॉसस किसका मेंबर है? हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहीं पे साइड में बात कर लेते हैं, एक फ्रॉग होता है। फ्रॉग फाइलम क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया सॉरी क्लास एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया क्लास है, नॉट फाइलम। फाइलम तो कॉर्डेटा हो जाएगा। ओके, इसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है? फ्रॉग में टैडपोल। टैडपोल, ओके। अब हम बात करते हैं, एक आता है एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा किसका है? एम्बाइस्टोमा का मेंबर है, या एम्बाइस्टोमा की लाइफ साइकिल में पाया जाता है, जो कि एक कॉर्डेटा है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट लार्वा हो गए। हमने बात कर ली इम्पॉर्टेंट लार्वा की, जो फाइलम जैसे पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, निडेरिया हो गया। सिलेंट्रेटा निडेरिया एक ही चीज़ है। प्लेटी हेलमेंथीज हो गया। एक और मेंबर रह जाता है एस्केरिस, एक पाया जाता है। जीनस क्या? एस्केरिस। एस्केरिस में दो लार्वा पाए जाते हैं, एक होती है जुवेनाइल फॉर्म, ठीक, एक होगी जुवेनाइल फॉर्म, और दूसरा लार्वा पाया जाता है इसमें रैबिडिटी फॉर्म। रैबिडिटी फॉर्म, ओके। तो एस्केरिस में कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं? एक जुवेनाइल फॉर्म पाई जाती है, या जुवेनाइल लार्वा पाया जाता है, और दूसरा लार्वा का नाम क्या है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ओके, तो ये हमने बात कर ली इम्पॉर्टेंट लार्वा की, जो एनिमल किंगडम के प्रत्येक फाइलम में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? जुवेनाइल फॉर्म होती हैं, या इमैच्योर फॉर्म होती हैं सभी एनिमल की लाइफ साइकिल की। ओके, इसके बाद इसमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होती है, और ये प्री मैच्योर स्टेज से मैच्योर स्टेज में कन्वर्ट होके, या डेवलप होके, या मेटामॉर्फोसिस करके मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।